हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या कभी आपने सोचा है अगर आपका ब्रोकर भाग जाए तो क्या होगा। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड्स हुए हैं और आज हर अकाउंट होल्डर इन चीज़ों से अवेयर है। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में भी बहुत से फ्रॉड हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर को इन फ्रॉड के बारे में पता नहीं है। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, उनसे बचने के तरीके बारे में बताने वाला हूं, जहां आपको पता चलेगा कि ब्रोकर भाग जाए तो परेशान होना भी है और नहीं भी होना है। खूबसूरती देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू, क्योंकि ये सच है, एक साइड भाग जाने से डर नहीं है, वहीं दूसरे साइड डर भी है। तो क्या आप जानने को रेडी हैं कि लाइफ में हमेशा सिक्के के दो पहलू दोनों साइड देखने चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? लोग हमेशा सिर्फ एक साइड देखते हैं और बिग मिस्टेक करते हैं। तो आज दोनों साइड देखने की कोशिश करेंगे और उन खतरों से बचने की भी कोशिश। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, जिससे रात के 8:30 बजे का शो या कोई दूसरी वीडियो कभी मिस ना हो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सब कुछ सबसे पहले सिर्फ आपके पास। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, जब आपने पहली बार डीमैट अकाउंट में फंड डाल रहे थे तो क्या दिमाग में सवाल आया था कि अगर आपका ब्रोकर भाग जाए तो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाए तो क्या होगा, फर्म ही बंद हो जाए तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन आज के समय आपको इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है और ऐसे सवाल आने चाहिए। देखिए, वीडियो का लास्ट का पॉइंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लास्ट वाला बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इन सवालों के जो जवाब हैं वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश की। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक ब्रोकर फर्म क्या होती है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर फर्म ऐसी फर्म है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे नाम हैं मार्केट में। ऐसे 300 से भी ज़्यादा ब्रोकिंग फर्म है। ये फर्म मीडिएटर होते हैं, आप ऐसा समझिए, स्टॉक सेलर को स्टॉक बायर से मिलवाते हैं और इसके बदले में बायर से कुछ कमीशन लेते हैं, सेलर से कुछ कमीशन लेते हैं, यानी बायर और सेलर के बीच का बॉन्ड कह सकते हैं। अब एक जो ब्रोकर फर्म है, एक बायर और सेलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेबी ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं जिससे बायर और सेलर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदे, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन आपको वो पैसे एक्चुअल में मिले ही नहीं, ऐसे में आपका ब्रोकर इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा। अगर वो इससे मना करे तो आप ब्रोकर पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, यानी मार्केट में बाइंग और सेलिंग को सही तरीके से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ब्रोकर की होती है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी ब्रोकर फर्म कब डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। देखिए, एक ब्रोकर फर्म के पास हम और आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, हजारों में, लाखों में। कभी कभी ब्रोकरेज फर्म अपने इन्वेस्टर के फंड का मिसयूज करती है और उनकी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की कंप्लेन यदि सेबी को मिलती है तो उस फर्म पर केस फाइल होता है, एक प्रक्रिया शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की। सेबी इस मामले में प्रोएक्टिव है, यदि वो फर्म को दोषी पाते हैं तो फर्म को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि अगर आपकी ब्रोकरेज फर्म डिफॉल्टर हो गई तो आपके शेयर का क्या होगा, आपके पैसों का क्या होगा। देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर ब्रोकर के पास नहीं होते, आपके शेयर CDSL और NSDL जो डिपॉजिटरी फर्म है उनके पास होते हैं और बिल्कुल सेफ। जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म दिवालिया या डिफॉल्टर होती है तो आपके स्टॉक को आपकी सहमति के साथ किसी दूसरे ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां से एक बात तो क्लियर है कि अगर आपके अकाउंट में शेयर हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन एक कंडीशन में आपका शेयर रिस्क पर भी होता है। देखिए, अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं और आपका पैसा तुरंत कट गया, लेकिन आपके डीमैट में वो शेयर 2 दिन बाद डिलीवर होते हैं। मान लीजिए आपने शेयर खरीदे, शेयर डिलीवर होने के पहले आपके ब्रोकर को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तो आपका शेयर कहाँ होगा, रिस्क में हो जाएगा, क्योंकि आने से पहले डिफॉल्टर हुआ है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ब्रोकर को डिफॉल्टर कब घोषित किया जाता है और ऐसे कंडीशन में आपके शेयर के साथ क्या होता है। अब मैं आपको ऐसी घटना से आप फंसे नहीं और कैसे बचें
ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सही ब्रोकर चुनना चाहिए, और ब्रोकर चुनते समय कुछ बातें ध्यान रखिए। डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने स्टॉक ब्रोकर के मेंबरशिप लाइसेंस की जांच जरूर करें। ब्रोकर के सभी टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ें। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से क्रॉस चेक करें, है ना। POA यानी पावर ऑफ अटर्नी को अनचेक करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की कंसेंट ना दें। अब मान लीजिए कि आपने अपने ब्रोकर चुनते वक्त अभी बताई गई सभी बातों को ध्यान दिया, बट फिर भी आपके अकाउंट में कुछ अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, तो सिंपली आपको उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है और सेबी में कंप्लेन करना है। अभी कुछ जानकारी बची हुई है, बताएं। शेयर तो आपके सेफ है, NSDL या CD असल में, बट वहां से कैसे लाएंगे ये कौन बताएगा। लाइक का बटन तो दबाइए, अभी बता देते हैं। चलिए देखिए, जब आपका स्टॉक ब्रोकर अगर भाग जाता है तब आपको एक नया डीमैट अकाउंट खोलना है। उसके बाद स्टॉक डिपॉजिटरी के पास एक एप्लीकेशन भेजेंगे। आपके पास पैन कार्ड DPID होना चाहिए। आप पैन कार्ड और DP के आधार पर DIS स्लिप भरेंगे और स्टॉक डिपॉजिटरी भेजेंगे पुराने अकाउंट से नए डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। और इस एप्लीकेशन देने के बाद आपका शेयर नए डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो शेयर बेच सकते हैं। अब एक और ट्विस्ट है, अगर सोचिए आपका ट्रेडिंग बैलेंस है तो क्या होगा। सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए आपने शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भरा, लेकिन शेयर खरीदने से पहले ही ब्रोकर भाग गया या बंद हो गया, तो इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए सेबी ने बनाया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अगर आप ज्यादा समय खर्च किए बिना तुरंत क्लेम कर देंगे तो आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक मिल सकता है। आपने यदि क्लेम थोड़े देर से किया यानी 3 साल के पहले तो आपको क्लेम देना चाहिए या नहीं, फैसले के बाद होगा। 3 साल बाद यदि आप क्लेम करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कैसा लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोला था ना 99% लोगों की प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि ये सब लोगों के साथ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्यारी सी चीज, कभी भी अच्छे और बड़े ब्रोकर को ही चुने। कभी भी ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट ना खोलें जिनके कस्टमर कम हो, क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकते हैं। जिनका नाम अच्छा है, काम अच्छा है, उन्हीं के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट भाई के साथ अकाउंट ओपन कराइए। और जो लोग अकाउंट ओपन करके ट्रेड करेंगे उन्हें मिलने वाली है एक फ्री स्ट्रैटजी। तो देर किस बात की, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना लूँगा या कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। बाकी कोशिश प्रेजेंटेशन के साथ इस तरीके से की है कि बिल्कुल मैंगो पीपल की भाषा में सब क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे भाई लोग फंसे होंगे और ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम घर घर तक ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। तो शुरू कर दिया क्या, व्हाट्सएप पर शेयर करना, ट्विटर पर शेयर करना। थैंक यू।